जैसे जैसे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही हलचल भी तेज होती नजर आ रही है। जहां एक तरफ सात राज्यों की स्टेट यूनिट ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में प्रस्ताव पास किया है, वहीं खबरें हैं कि अध्यक्ष पद के चुनाव में जाने माने नेता शशि थरूर मैदान में उतर सकते हैं। दरअसल थरूर ने सोमवार को अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से 10 जनपद पर मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद से ही ये चर्चा गर्म है। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि दोनों की मुलाकात के दौरान थरूर ने अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर सवाल पूछा, ये जानने का प्रयास किया कि क्या वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। यानी थरूर ने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की इच्छा सोनिया गांधी के सामने साफ जाहिर कर दी। सूत्रों ने यह भी बताया कि सोनिया गांधी ने भी थरूर को सीधा जवाब दिया। सोनिया ने कहा, इट्स योर कॉल, यानी ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है, चुनावी प्रक्रिया के तहत ही है। सोनिया के इस जवाब ने गेंद अब शशि थरूर के पाले में डाल दी। वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं या नहीं, उनका निजी फैसला रहने वाला है। इसके लिए आधिकारिक घोषणा का इंतजार करेंगे। फिलहाल सूत्रों ने बताया कि थरूर के साथ बातचीत में सोनिया गांधी ने भी ये स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, गांधी परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। अब दोनों की बातचीत के बाद कांग्रेस सूत्र कह रहे हैं कि शशि थरूर भी इस बार अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले हैं। वैसे इससे पहले भी उनके एक बयान ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया था। असल में शशि थरूर ने अपने एक लेख में कहा था कि अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान जितने ज्यादा उम्मीदवार होंगे उतना अच्छा होगा। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत बताया था। वहीं बाद में अपनी अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी को लेकर भी उन्होंने मीडिया से बात की थी। जोर देकर कहा था कि लोग कुछ भी सोचने को स्वतंत्र हैं। मैंने अपने लेख के जरिए सिर्फ इतना कहा था कि पार्टी में चुनाव सही रहेंगे, एक लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक पार्टी का होना जरूरी है। कांग्रेस अब अध्यक्ष पद का चुनाव करवा रही है, ये स्वागत योग्य कदम है। मुझे नहीं पता था कि मेरे लेख पर इतनी कयासबाजी शुरू हो जाएगी। मैंने कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, अभी मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन खैर, ये इनका पहले का बयान था। आज सोनिया और थरूर की मुलाकात हो चुकी है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि थरूर अब कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। खैर, दूसरी तरफ चुनावी मैदान में इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उतर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नवरात्रे में 26 से 28 के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन भर सकते हैं। उनके नाम को लेकर भी चर्चा पहले से चल रही थी, अब वो भी अध्यक्ष पद की दावेदारी ठोक सकते हैं। न्यूज़ तक ब्यूरो।